ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने अवंती विहार खम्हारडी स्थित फूड हब में लगे प्री सावन मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया। उन्होंने आयोजकों के आग्रह पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने स्टॉलों में जाकर महिलाओं से चर्चा की। ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन श्रीमती कुलदीप कौर होरा ने अवंती विहार खम्हारडी मार्ग स्थित फूड हब में लगे प्री सावन मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती होरा ने आयोजकों के आग्रह पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टालों में जाकर महिलाओं से चर्चा की। इस मौके पर प्रदर्शनी में लगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, कॉस्मेटिक के साथ खाने पीने की चीज़ों के स्टाल लगाने वाली महिलाओं ने उन्हें अपने उत्पादों की जानकारी भी दी। आयोजन की संयोजिका कविता राठी ने ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने कहा कि स्वावलंबी महिलाओं का यह एक अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही कविता राठी और उनकी टीम ने एक ही छत के नीचे घरों में बनाए गए उत्पादों से जुड़े प्रदर्शनी लगाई है, जो कि काबिले तारीफ है। ये दो देसी प्री सावन मेले का आयोजन रखा है इन्होंने कविता राठी में। बहुत ही अच्छा आयोजन है इनका। ये राखी त्यौहार और तीज त्यौहार को देखते हुए एक ही छत के नीचे सारा सामान, उपयोग की चीज़ें उन्होंने अवेलेबल कराई हैं। ये बहुत ही अच्छा, और जो स्वावलंबी महिलाओं को उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनसे बनाई, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ पे उपलब्ध कराया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दिया है। तो ये बहुत सराहनीय है, तो हम उनको बहुत बधाई देते हैं उनको, और ऐसा काम वो आगे भी करें। ये जो खुद घर से उन्होंने बनाई हैं चीज़ें, जो पेपर से उपयोग, पेपर के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं, वो सब भी मुझे अच्छी लगी। इस मौके पर आयोजिका कविता राठी और अनीता खंडेलवाल ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो घर से सभी तरह की चीज़ें बनाती हैं, उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का मौका दिया गया है। इस दो दिवसीय प्री सावन मेले का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने किया है। इससे सबकी हौसला अफजाई हुई है। वहीं स्टाल लगाई तारा चांडक ने अपने उत्पाद के संबंध में जानकारी भी दी। एक ही छत के नीचे मैं कविता राठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के लिए और जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और इन्होंने ये देखा हुआ है कि जो घर से बाहर नहीं निकलती है, जनरली क्या होती है, बड़े बड़े शो वाले लोग निकलते हैं, बट इन्होंने इनके मैंने देखा है कि घर पे जो महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही है उनको यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म देके और एक स्वावलंबी बना रही है, तो महिलाओं के बहुत अच्छी प्रेरणा के स्रोत है ये। तारा चांडक, मेरा आम पापड़ का बिजनेस है। मेरे यहाँ 12 महीने आम पापड़ की काफ़ी सारी वैरायटी है जो आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ये सब जो आम पापड़ है ये सब होममेड है, हमारा खुद का ये पर्सनल बिजनेस है। जैसे ये आम पापड़ की अलग अलग तरह की वैरायटी, ये है जैसे 200 रुपये किलो, ये काला खट्टा है ये 250 रुपये किलो, और ये आम रोल आपको मिल जाएंगे 180 रुपये किलो में, और ये कम शक्कर वाला 240 रुपये किलो, और भी काफ़ी वैरायटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।